विकास और जनकल्याणकारी योजनाएं प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करना, विकास में नंबर एक पर ले जाना। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर जगदीश देवड़ा यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे मिलने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी बताइए, क्या प्राथमिकताएं अभी आप नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पर बनाए गए हैं? पहले भी हालांकि मंत्री रहे हैं। जनता पार्टी की सरकार में विकास और जनकल्याणकारी योजनाएं प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करना, विकास में नंबर एक पर ले जाना, ये सबका प्रयास रहेगा और सब मिलकर के काम करेंगे। जनता ने आपको भारी समर्थन दिया है, तो आपकी जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता ने पूरा आशीर्वाद दिया भरपेट, तो ये सरकार भी भरपेट काम करेगी। 2024 आगे चुनाव है, सनातन का मुद्दा भी चल रहा है, कैसे देखते हैं? फाइनल मैच अभी केंद्र में सरकार बनाना और फिर वापस मोदी जी को बिठाना। क्या हम आपको मान के चल रहे हैं मध्य प्रदेश में अभी लोकसभा जो चुनाव, कितने सांसद हैं जो बीजेपी की जीत कर आने वाले? सब सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, सभी सीटों पर। जगदीश देवड़ा है, इनका कहना है कि अभी ये सेमीफाइनल था, फाइनल अभी बाकी है। 2024 का जो चुनाव है 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में जीत कर आएंगे। कैमरामैन निष्पंत के साथ पब्लिक फर्स्ट। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।